इसे नए संसद भवन में फ्रेम करके लटकाना चाहिए, पीएम मोदी के डिग्री पर संजय राउत ने कसा तंज। संजय राउत ने इस मामले में उनकी डिग्री भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षिक योग्यता पर कड़ा प्रहार किया है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की ये जो डिग्री है, लोग कहते हैं कि यह बोगस है, लेकिन मैं मानता हूं कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस शोध विषय पर यह ऐतिहासिक व क्रांतिकारी डिग्री है। इसे नए संसद भवन के मुख्य द्वार पर फ्रेम करके लटकाना चाहिए ताकि लोग प्रधानमंत्री जी की योग्यता पर सवाल न उठाएं। संजय राउत ने सोमवार को ट्वीट कर इस पर प्रतिक्रिया दी। सावरकर सम्मान यात्रा इस बीच जहां संभाजी नगर में महाविकास अघाड़ी की संयुक्त बैठक हुई, वहीं दूसरी ओर सिंधगुट की ओर से सावरकर सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। इस पर बोलते संजय राउत ने कहा कि सावरकर ने इस देश को एक दिशा दी है। सावरकर ने हिंदुत्व का विचार देते हुए प्रगतिशील और वैज्ञानिकता का एक महत्वपूर्ण संदर्भ दिया है। सावरकर को अपनी दाढ़ी बढ़ाना पसंद नहीं था, तो क्या शिंदे सेव करने वाले हैं? सावरकर ने कहा था कि दाढ़ी आदि बढ़ाना हमारे धर्म में शोभा नहीं देता। एकनाथ शिंदे को पहले अपनी दाढ़ी मुंडवानी चाहिए। आप सावरकरवादी नहीं हो सकते, के बयान के बाद संजय राउत ने तंज कसते हुए कहा कि शिंदे गुट को पहले सावरकर के साहित्य का पाठ करना चाहिए, उनकी सारी सामग्री पढ़े। यहाँ तक कि मदन लाल ढींगरा के बारे में उन्होंने ब्रिटेन में जो बयान दिया है, उन्होंने मैक्सिम गोर्की के साहित्य का अंग्रेजी से मराठी अनुवाद किया है। मेजर जन्म थे साहा सोनेरी पानप, अन्य वैज्ञानिक लेखन डॉक्टर सिंधे और उनके 40 लोगों को परायण का पाठ करना चाहिए और फिर अपने विचारों के लिए सावरकर यात्रा निकालनी चाहिए। बीजेपी को भी सावरकर के विचारों को पढ़ने की जरूरत है।